जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और डिफेंस करियर एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। जुड़िए आप मेरे साथ फतह CGPSC 2023 के इस फाउंडेशन बैच के साथ और अपनी तैयारी को एक नया अंक दीजिए। आप हमारी अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं राज्य जो सेवा परीक्षा का प्रारंभिक पेपर है जो कि 12 फरवरी को होना है। मोस्टली सभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम में सब एकदम से लगे हैं तो उनको एक बार सिलेबस क्लियर होना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो हम लोग का चर्चा का विषय आज रखे हैं हम लोग राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो PSC हो रहा है, CGPSC, ठीक है। CGPSC के सिलेबस को लेकर हम लाए हैं तो बिल्कुल आइए, आप सभी का स्वागत है डिफेंस करियर अकेडमी खैरागढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में। देखो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का जब दे रहे हो तो एक चीज़ बेसिक क्लियर होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। आप सिलेबस को आप अच्छे से अगर जानते हो तो आपको तैयारी के लिए ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ CGPSC प्रारंभिक परीक्षा के प्रीलिम्स के सिलेबस क्या है, क्या क्या पेपर होता है, उसको कैसे अपन देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो CGPSC है अभी आने वाला एग्ज़ाम आप लोग का 12 फरवरी का है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 20 तारीख तक आप लोग का फॉर्म डालने का है दिसंबर तक, तो 12 फरवरी को होना है एग्ज़ाम, उसी के लिए हम सिलेबस लेके आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा। अब इनमें जो बिगनर हैं, जो पहली टाइम दे रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए बताएं तो इनमें क्या होता है, दो पेपर होता है, ठीक है। एक होता है आप लोग का GK GS वाला सेक्शन और दूसरा होता है क्या आप लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट जो आप लोग को क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। तो GK GS आप लोग का मेरिट डिसाइड करता है मेंस के लिए और ये एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट इसको क्वालिफाई हो गो तब जाके आपको पहला पेपर मेरिट बनता है, ठीक है, मेंस के लिए। तो हम डिस्कशन करने वाले हैं CGPSC प्री के सिलेबस में। अब देखिए, सबसे पहले पहला पेपर होता है जो GK GS का होता है, तो कितने नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन रहेगा और ये होगा आप लोग का 200 नंबर का है, मतलब एक क्वेश्चन दो नंबर का, दो पार्ट में डिवाइड रहता है GK GS वाला में। एक पार्ट रहता है आप लोग का सामान्य अध्ययन जिसमें आप लोग का नेशनल लेवल का पूछा जाता है और दूसरा पार्ट होता है आप लोग का सेपरेट छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन जो पूछा जाता है 50 क्वेश्चन, ठीक है, 100 नंबर। तो टोटल ये कितना, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, 50 क्वेश्चन आप लोग का यह नेशनल से आएगा और 50 क्वेश्चन आप लोग का छत्तीसगढ़ वाले पार्ट से आता है। अब सिलेबस की बात में पहुँचते हैं तो जो सामान्य अध्ययन है, इस सामान्य अध्ययन जो नेशनल वाला है उसमें क्या क्या है आप लोग का सिलेबस में रहता है, तो भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। अब इस इतिहास में आप लोग का प्रारंभिक, मध्य और आधुनिक भारत तीनों शामिल हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्टली आप लोग का आधुनिक भारत से पूछा जाता है। फिर बोलता है भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से। अब देख रहे हो भूगोल का क्या, भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। फिर भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पॉलिटी की बात की जाए राज्य व्यवस्था तो ये आ जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सेक्टर से, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब विज्ञान में तीनों आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंट अफेयर से रिलेटेड आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। नेक्स्ट आ जाए समसामयिकी, घटनाएं एवं खेल, करेंट अफेयर का वेटेज अभी दिन ब दिन उसका बढ़ते जा रहे हैं तो ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। देन आप लोग का आ जाता है पर्यावरण। ये तो हुआ प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र, ठीक है, प्रश्न पत्र फर्स्ट का ये पहला भाग है। अब दूसरा जो पार्ट आता है आप लोग का क्या, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। अब छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन सा सिलेबस आता है, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, मतलब छत्तीसगढ़ का प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है, आधुनिक छत्तीसगढ़, ठीक है, इतिहास का। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएँ, जनगणना, ठीक। फिर बोलता है पुरातत्विक एवं पर्यटन क्षेत्र। अब छत्तीसगढ़ का हम कौन कौन से जो टॉपिक को सिलेबस में आता है ये है आप लोग का छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्ति, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ की जनजाति मोस्ट आई एम पी, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को प्रीलिम्स देखने को मिलता है। विशेष परंपरा, तीज त्यौहार, छत्तीसगढ़ का जो कल्चर संस्कृति के अंतर्गत आ जाएगा। छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, वन और कृषि, जो फैक्चुअल डाटा जो पूछा जाता है यहाँ से पूछा जाता है वन एवं कृषि से।
छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। अब ये पंचायती राज मोस्ट आईएमपी, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, ठीक है। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना, ठीक है, ये तो करेंट अफेयर के अंतर्गत आ जाता है। ये प्रश्न पेपर फर्स्ट हो गया, प्रश्न पेपर आप सेकंड की बात की जाते हैं, ठीक है। सेकंड प्रश्न है, कितना टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 अंक। अब ये क्वालिफाइंग रहते हैं, ठीक है, एसटीएससी ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग रहते हैं और जनरल के लिए अलग रहते हैं, ठीक है। कैटेगरी में आप लोग को मिनिमम 23% आप लोग को क्वालिफाई लाना है और जनरल के लिए आपको 33% इसमें क्वालिफाई रहता है। पेपर सेकेंड आप लोग का क्वालिफाई होगा, देन आपको पेपर वन मेरिट डिसाइड करता है किसके लिए, मेंस के लिए, ठीक है। अब पेपर सेकेंड जो होता है उसमें सिलेबस क्या क्या है आप लोग का, तो संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, ठीक है, तार्किक तर्क और विश्लेषण क्षमता, निर्णय में आप लोग का निर्माण और समस्या निर्माण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य, सामान्य गणितीय कौशल, 10th लेवल का रहता है, आंकड़ों की व्याख्या, हिंदी भाषा का ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। देखा जाए तो ये मेनली आप लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, जिसमें आप लोग का गणित है, रीजनिंग का है, लैंग्वेज के अंतर्गत में आप लोग का छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा दोनों आते हैं। तो पेपर सेकंड जो है आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है, उसमें क्वालिफाई हो गए तो आप देन आप लोग का क्या, पेपर फर्स्ट चेक होता है जो सिलेक्ट होता है किसके लिए, मेंस के लिए। एक पोस्ट के लिए कितना, 15 गुना को बुलाया जाता है कि हाँ मेंस के लिए, ठीक है। ये हो गया आप लोग का राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। दो पेपर होता है, जिसमें पहला पेपर हुआ आप लोग का जीके जीएस वाला, जिसमें से 50 आप लोग का छत्तीसगढ़ पोर्शन से और 50 नेशनल से होगा, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो नंबर का, 1/3 आप लोग का निगेटिव मार्किंग। सेकेंड प्रश्न पेपर आप लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट है का, जिसमें गणित, रीजनिंग, हिंदी और ये जो बताया मैं वो रहता है। इस प्रकार एक प्रॉपर प्लानिंग करके आप इसका तैयारी कर सकते हैं। अब ये तो होगा सिलेबस का, अब इसकी तैयारी कैसे करें, पढ़े कहाँ कहाँ से। अब ध्यान दें, यहाँ से भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, इसके लिए बेसिक आप कहाँ से करना है, एनसीईआरटी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक ये पूरा जितने भी टॉपिक दिए हैं तो इनका एनसीईआरटी है। करंट अफेयर के लिए आप अर्जुना प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक बात किया जाए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के लिए आप ग्रंथ अकेडमी की बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, और अलग अलग आप जहाँ से कोचिंग अगर कर रहे हैं तो वहाँ के नोट्स को आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में अलग अलग अकेडमी की जो है बुक्स हैं उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन ग्रंथ अकेडमी की बुक को सभी प्रीफर करते हैं, जितने भी टॉपर्स हैं उनका अगर इंटरव्यू देखोगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार अपनी तैयारी को एक अच्छे से आयाम दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।